हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G54 5G के बारे में। ये फोन इंडिया में 6 सितंबर को लॉन्च होने वाला है और ये मोटो का मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा जो कि अंडर 20,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा। ये फोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगा और इसका टीजर भी फ्लिपकार्ट पर रिलीज हो चुका है, जहां पर से इस फोन की सभी डिटेल्स 100% कंफर्म हो चुके हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे इस फोन की सभी डिटेल्स के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इस फोन के लुक और डिजाइन के बारे में बात करें तो ये फोन ग्लास बैक के साथ आएगा। प्लास्टिक का फ्रेम होगा, 8.89 mm की थिकनेस और 192 ग्राम वेट है। तो फोन थोड़ा सा बल्की होने वाला है बट फोन दिखने में काफी प्रीमियम सा लगता है। इसके अलावा इस फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्टूडियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस, NFC, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3, IP52 रेटिंग, 14 5G बैंड और लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में डॉट नोच डिजाइन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले लगी होगी जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगी। बेजल्स भी इस डिस्प्ले में काफी कम है। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले में काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरे स्पेक्स की बात करें तो इसके बैक साइड में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है जो कि OIS सपोर्ट के साथ आएगा और सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का एक मल्टी फंक्शनल कैमरा है जिससे कि आप मैक्रो, डेप्थ और अल्ट्रा वाइड जैसी फोटोग्राफी को कैप्चर कर पाओगे और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कैमरे सेक्शन भी आपको इस फोन का काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये फोन 6000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ आएगा और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और चार्जर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप भी आपको इस फोन में एक दिन से ज्यादा तक का देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 चिपसेट के साथ आएगा। ये चिपसेट 6 nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इट मीन्स कि ये चिपसेट काफी पावर एफिशिएंट है और 400,000 के अप्रॉक्स इसका एंटूतु स्कोर है। तो परफॉर्मेंस भी आपको इस फोन की काफी कमाल के देखने को मिलने वाली है। प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो गाइस, ये स्मार्टफोन 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में लॉन्च होगा और ये इस सेगमेंट का पहला ऐसा इकलौता स्मार्टफोन होगा जो कि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में आने वाला है और इसकी प्राइस में 15,000 से 17,000 रुपये के अराउंड देखने को मिलेगी जो कि एक बेस्ट डील रहने वाली है इस स्मार्टफोन के साथ में। तो गाइस, क्या आप मोटोरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G54 5G के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी कमाल की टेक वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।